68.08, उज्जैन में 3 बजे तक 60.83, मंदसौर में 3 बजे तक 61.58 फर्स्ट डिवीजन हो गया। लेकिन इंदौर बहुत पीछे, 48% मतदान इंदौर में। रतलाम में 3 बजे तक 62.78% मतदान हुआ है, तो मध्य प्रदेश में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ गया है 59 कुल मिलाकर मतदान प्रतिशत। और इसमें अगर ये 60% को भी पार नहीं कर पाया तो ये इसकी वजह इंदौर है, क्योंकि इंदौर के लोग जो है वोट नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि 3 बजे तक इंदौर का वोटिंग परसेंटेज सबसे कम 48% के आसपास दर्ज किया जा रहा है। क्या आखिर वजह है इसके पीछे कि इंदौर में जो कि इंदौर नंबर वन कहा जाता है सफाई में, और वहां पर प्रण लिया जाता है कि हम जो है वो नंबर वन आकर रहेंगे, मतदान में भी नंबर वन आएंगे, लेकिन आखिर इंदौर की जनता को क्या हो गया, क्यों इंदौर की जनता इस तरीके से उसका बिहेव सामने आया चुनाव को लेकर, ये जो है ये तमाम बातें जो है सवाल उठते रहेंगे। तो चलिए अब डिबेट पर फिर से चलते हैं। हमारे मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। लोया साहब, इंदौर के बारे में खबर आ रही है, क्या क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित, देखिए अगर इंदौर के लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफा जीत रही है, हमारी क्या आवश्यकता है, तो मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जब इतिहास लिखा जा रहा हो तब आपकी उसमें उपस्थिति क्या है और आपकी भूमिका क्या है, ये सुनिश्चित करने का काम करें। आज इंदौर की जनता के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, ये देश एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, ऐसा ना हो कि आप अपनी भागीदारी से उसमें चूक जाएं, तो सबसे पहले उसमें भागीदारी करिए। इंदौर के बारे में लोया साहब, इंदौर के बारे में इंदौर के लोगों को यह समझाने की जरूरत इस चुनाव में बीजेपी को क्यों पड़ रही है, इसका जवाब दीजिएगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि पिछला वोटिंग परसेंटेज भी मुझे याद है। दो तरह का प्रचार उसमें चल रहा है, एक लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि देश के निर्माण के लिए वोट दें, आप देश के भविष्य के लिए वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दें। दूसरी ओर वहां एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है कि मतदान से दूर रहे, और ये केवल इंदौर में नहीं चलाया। लोहिया साहब, नहीं 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 नहीं, नेगेटिव कैंपेन नहीं है वो, नोटा का कैंपेन है पहली बात। और नोटा सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए, नोटा भी वोट कास्ट करना तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी भी बीजेपी ने क्या किया कांग्रेस, ये सवाल नहीं है मेरा। मेरा ये सवाल है कि इसके बावजूद आपने प्रचार किया, आप कह रहे हैं कि हम परिपक्वता की राजनीति कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की राजनीति कर रहे हैं, वो निगेटिविटी की राजनीति कर रहे हैं, नोटा के लिए कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि उसके बावजूद 48% वोट परसेंटेज क्यों है 3 बजे तक? नहीं, मेरा आपसे आग्रह वही है, आप मेरी बात पूरी सुन लेंगे कि हाँ, एक पक्ष ये उम्मीद कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत कम रहे, और आज से नहीं कर रहा है, 20 अप्रैल से लगातार कर रहा है पहले चरण से, कि कम मतदान होने से कांग्रेस को लाभ होता है, ये उन्होंने मान लिया है। और इंदौर में लाभ होगा क्या? फिर वही कॉन्ट्रेडिक्टरी बात हो गई, इंदौर में कहां लाभ, आप तो कह रहे हैं एक तरफा जीत रहे हैं हम। 3 में मतदान सबसे कम है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, किस विधानसभा में कम है, देपालपुर में, इंदौर में ज्यादा मतदान है, वहां राव ठीक मतदान है, वहां जो हमारी ग्रामीण विधानसभाएं उनमें मतदान का परसेंटेज बहुत अच्छा है। मैं इंदौर शहर के लोगों से भी आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि आप भी कृपया लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति डालिए। वो भी तब है जब इंदौर की सबकी सब आपके पास है विधानसभाएं, वो भी तब है, नहीं अपर्णा, ये आश्चर्यजनक नहीं लग रहा पुनीत? और देखिए जाहिर सी बात है, जब शुरुआत हुई थी मुझे याद है कैलाश विजयवर्गीय कहते थे कि 8 लाख रहेगा जीत का अंतर, और फिर जैसे ही अक्षय कांति बम बीजेपी में चले जाते हैं उसके बाद कांग्रेस नोटा को प्रमोट करना शुरू करती है, तो उसके बाद एग्रेसिव जवाब में बीजेपी यहां पर स्ट्रैटेजी अपनाती है, तो क्या नोटा से घबरा गई बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। सर आपको, सुरेश जी क्या लगता है आपको कि यहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात थी इंदौर को लेकर आश्वस्त तो है बीजेपी, लेकिन कहीं ये ना हो कि जो किया जो हुआ कि अक्षय कांति हम बीजेपी में आ गए और उसके बाद कई लोग नोटा की ओर ना रुख मोड़ ले अपना। मुझसे है सवाल ये? जी जी, नहीं देखिए, नोटा अपनी जगह है और नोटा का प्रचार भी अच्छा हुआ है, नोटा अधिकार भी है, लेकिन इंदौर में जो मत प्रतिशत है वो इस अनुमान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो केवल नोटा में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। एक दूसरा आंकड़ा आपको देखना पड़ेगा, वो ये कि 2009 में 50% के आसपास ही मतदान हुआ था 2009 में, तो इसलिए 48% यदि 3 बजे तक का मतदान है तो 3 घंटे और बाकी हैं, और अभी जो प्रयास हो रहा है इंदौर का, जो मेरे पास खबर के रूप में आया है
कि कैलाश विजयवर्गीय और बाकी लोगों ने वहां बैठ के लेकर के और मतदान अधिक बढ़ाने के लिए अपील की है। तो मुझे लगता है ये एक सम्मानजनक स्थिति तक चला जाएगा, लेकिन इन सबके बावजूद जो इंदौर का राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वह लोकतंत्र के लिहाज से कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस लिया जाना ये बहुत सवाल उठाता है और इन सवालों को बीजेपी का को इसका सवालों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को इसके सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो लोया साहब, ये सवाल जो उठ रहे हैं इसका सामना आप करने के लिए तैयारी है, ठीक है, लेकिन स्वदेश जी के पास चलते हैं। स्वदेश जी क्या कहेंगे इंदौर के बारे में? पहले इंदौर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज सब जगह से तो अच्छा आ रहा है, इंदौर में 48% है, तो क्या इंदौर की प्रकृति ऐसी ही रही है? देखिए, नहीं, इंदौर की परिस्थिति ऐसी है कि मध्य प्रदेश का अगर आर्थिक राजधानी कहा जाए तो इंदौर शहर है। इंदौर शहर हमको बहुत सारे व्यवसाय देता है, बहुत सारी कॉलेजेस हैं वहाँ, विद्या अध्ययन के मतलब हब है एक तरह से वहाँ, और इंदौर का जागरूकता तो इतनी ज़बरदस्त है कि स्वच्छता में पहले नंबर पर इंदौर आता है। तो इंदौर के लोगों की सोच भी बिल्कुल अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने मत के अधिकार से उनको वंचित रखा। वो अपने दिमाग से अब सोच नहीं पाएंगे, वो अपना चॉइस नहीं रख सकते वो अपनी कि हमें किसको वोट देना है। इन्होंने जब जो कृत किया, जैसा अभी पत्रकार हमारे बड़े भाई साहब सुरेश शर्मा जी ने भी कहा कि ये ठीक नहीं किया भाजपा ने, और ठीक क्या नहीं किया, उसका जो बम है, बम को अपनी गाड़ी में माननी कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपनी वाहन में बैठाया और उसमें मेदोला जी साथ बैठे, और ये जाके अक्षय कांति बम की गाड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं बैठे ना, वो तो बोल रहे थे कि भाई मैं तो मेहनत कर रहा था लेकिन कोई आया ही नहीं बड़ा बड़ा नेता मेरे साथ। सुन तो नामांकन भी अकेले अकेले करने गए थे बेचारे वो। अपर्णा जी विपक्ष की पार्टी के बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, वो अपने वाहन में बैठा के ले गए नाम वापसी के लिए। ये बात तय करती है और सिद्ध करती है कि आपने इंदौर के लोगों से उनके मत का अधिकार छीना है। अधिकार छीना इसलिए वहां रुष्टता है। और राज्यसभा, जैसा हमारा विद्वान पत्रकार ने भी जैसे ही कहा है कि नोटा का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, अगर वो नोटा की तरफ जाते हैं तो ये निश्चित रूप से, मान लीजिए आप, भाजपा को एक बहुत बड़ा सबक होगा। सुरेश जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका रिएक्शन लेते हैं। कभी नहीं है जी सुरेश जी। देखिए, सबसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर में 14 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए ये कहना कि लोगों को, इंदौर के लोगों को मतदान का अधिकार छीन लिया, ये तो जायज नहीं है। कांग्रेस के लोगों को मतदान का अधिकार छीन लिया। और दूसरा, एक बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि हम बहुत बड़े चैनल पर बात कर रहे हैं, नोटा जो है वो संविधान का कोई प्रावधान का के अंतर्गत नहीं है, वो चुनाव आयोग का एक निर्देश है, इसलिए उसको संविधान से मत जोड़िए। संविधान का जो वातावरण इस समय राजनीति का चल रहा है कि संविधान का क्या हो जाएगा, इस टाइप की बातें, हर चीज संविधान के अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। स्वदेश, देखिए, संविधान ही हमें चुनाव आयोग की संस्था बताता है, संविधान ही चुनाव कराने के लिए प्रेरित करता है, तो संविधानिक क्यों नहीं हो सकता वो साहब, आप बताइए। तो यह मध्य प्रदेश का मिजाज है, दो ही राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भाजपा। अब एक कांग्रेस को आपने बिठा दिया है, किसी भी तरह ईडीओ सीबीआईओ आईटीओ पैसा हो धन बल हो बाहु बल हो जैसे भी आपने उसको बिठा दिया, तो ये समझ लीजिए दो पार्टियां हैं। जो 8 जो प्रत्याशी और हैं वो किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, वो इतने लोकप्रिय नहीं है, जिन पे जनता विश्वास करती जानती नहीं है, कांग्रेस और भाजपा। एक बात सही है, एक बात तो सही है कि जब से ये नामांकन वापसी हो गई उसके बाद से इंदौर का चुनाव जो है फीका फीका नजर आया। बीजेपी भी सोच रही होगी कि प्रचार अपना करना ही क्यों, संपर्क इतना, जनसंपर्क के लिए इतना जोर लगाना ही क्यों, क्योंकि मालूम है कि जीतना है। बृजगोपाल लोया साहब कह ही रहे हैं, लोया साहब ये जो जीतने का, और मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि नोटा का प्रचार, आप भले उसे निगेटिव कैंपेन कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने वोट नोटा में पड़ेंगे? जी आप एक मिनट, अंतिम शब्द प्रश्न के। जी नहीं, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। 1984 के बाद मतदाता की तो है। नहीं, हम कभी इंदौर में मार्जिन देखेंगे, हमारा 5.5 लाख वोट का मार्जिन था। कांग्रेस का उम्मीदवार रहता तो और अच्छा चुनाव होता, हम तो ये कह रहे हैं।
परंतु यदि कांग्रेस का उम्मीदवार की गाड़ी में कोई उनका नेता बैठने तैयार नहीं होता, उनके नामांकन में लोगों को यह लगता है कि धूप बहुत है, हम सीधे गाड़ी से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, तो इस परिस्थिति में कैसे उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। पार्टी से उम्मीदवार होना यानी एक सामूहिक नेतृत्व की भावना होती है, परंतु जब आप लोगों को टिकट देकर अकेला छोड़ देते हैं तो इन परिस्थितियों के लिए कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा। और केवल इंदौर में नहीं हुआ, आप याद कर ध्यान रखें, इन परिस्थितियों मतलब किस प्रकार की परिस्थितियां के प्रत्याशी अपना नाम वापस लेगा और बीजेपी में शामिल होगा, इसके लिए कांग्रेस तैयार है, या प्रत्याशी के पक्ष में उसकी पार्टी के लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा और दूसरे दल में शामिल होगा, किन परिस्थितियों की बात है, क्या करना है, ये उसका व्यक्तिगत विषय है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि यदि वो पार्टी से उम्मीदवार है तो पार्टी अगर उसके साथ उसे खड़ी नजर नहीं आएगी तो उसे क्या करना चाहिए। आज आप और मैं यहाँ कर रहे हैं, मैं आज यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के भी आपसे कर रहा हूँ, यदि कल पार्टी मेरे साथ खड़ी ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। ये देखिए बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको राजनीति, लेकिन नोटा तो सरदर्द बना ना आपके लिए, कहीं ना कहीं ताई ने भी बात को जाहिर किया, कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो लड़ाई आपके लिए आसान होती है, बात मानती हूँ मैं भी, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है और नोटा आ गया तो लड़ाई कहीं ना कहीं जी। छोटा सा उत्तर है, जिनके कहने से कभी इंदौर की जनता ने उनकी पार्टी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उनके कहने से नोटा का वो बटन दबाएंगे, ये आज कहना। अपर्णा, मैं फिगर्स पे जाना चाह रहा हूँ कि 2014 और 2019 इंदौर में अगर नोटा के वोटों की बात की जाए तो 5000 के आसपास 2014 में वोट डले थे, 5000 के आसपास, 6000 के आसपास 2019 में वोटिंग हुई है नोटा को लेकर के। क्या लोया साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस बार भी आंकड़ा इतना ही रहेगा, और अगर इससे कई गुना ज्यादा होता है तो बीजेपी क्या अपने अंतर मन में झांक कर देखेगी हमने क्या किया? नहीं, पहले देखिए आप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी का उम्मीदवार भाग जाए वो उसकी रखवाली करना भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं, पहली बात। और दूसरी जो आप कह रहे हैं, आज कांग्रेस के अगर जिम्मेवार लोग वहां नोटा को वोट देते हैं, इसका पहला मतलब है, ठीक है आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, ये आपका विचार हो सकता है, मगर दूसरे 14 उम्मीदवार भी आपको पसंद नहीं है, यानी इंदौर में आपको कोई पसंद नहीं है, ये भी इसको प्रमाणित करता है। आप किसी के खड़े होते हैं, आपने सूची एक चीज और देखिए, सुमित्रा ताई, अपर्णा मैं रोकना चाह रहा हूं क्योंकि आप ही की बात को मैं कोट कर रहा हूं, सुमित्रा ताई कितने फोन उठाएंगी, कितने लोगों को समझाएंगी कि हमारा तो प्रत्याशी खड़ा है ना। मेरा यह कहना है कि बीजेपी के वो लोग जिन्होंने सुमित्रा महाजन को, आपने तो बाइट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि कई हमारे लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी ने जो किया हमको पसंद नहीं आया इसलिए हम नोटा को दबाएंगे, उनके लिए क्या? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें वैचारिक स्वतंत्रता है, बाकी लोगों में तो है नहीं, मगर मैं ये कहता हूं कि क्या सुमित्रा ताई जी का पूरा बयान भी तो सुनिए, मैंने से ये कहा कि नहीं हम